सर्वानंद सोनोवाल वो सुरंग बनाने वाले हैं। सो है व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, मेरा बाइक का थोड़ा सर्विसिंग है और पहली बात मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, आज रक्षाबंधन है। तो राखी सखी लगा के थोड़ा हेलमेट का थोड़ा काम है, नेक्स्ट उसको थोड़ा रिपेयरिंग करवाना है और एक जे अमाउंट लेना है। जे अमाउंट लेने के बाद लास्ट में हम सर्विस कराएंगे। सो आगे तो गाइस फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ। अभी मैं पहले मैं जाऊँगा अपना हेलमेट ठीक कराने, उसके बाद अपना पापा का दवा लेना है, थोड़ा बहन के घर में जाएंगे, राखी राखी लगाएंगे और उसके बाद सर्विसिंग करेंगे। तो ठीक है, रास्ते में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा कहाँ मिलेगा। अभी मैं विजयनगर आ चुका हूँ और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 30 किलोमीटर समथिंग होगा शायद। ओ भाई क्या है, क्या है ये भाई, क्या है ये रोड है, आई मीन रोड तो छोड़ा, ये हाईवे है, हाईवे 37, ये ऐसा हो गया ये विजयनगर में। वाह 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 वाह, अच्छा हो गया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्या वाह वाह वाह। ये हमारा आसाम का NH 37 है, देखो अच्छा है ना, देखो 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 NH 37 का हालत ऐसा हुआ है। सो हमारे नेता सर्वानंद सोनोवाल वो सुरंग बनाने वाले हैं ब्रह्मपुत्र के नीचे और ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो हाईवे है ऐसा है। वाह क्या बात है, खुला खुला कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, आप सुरंग बनाने में बिजी रहिए, ये छोड़ दीजिए, हाईवे छोड़ दीजिए, ठीक है। और गाइस एक बात बोलना चाहूँगा, अभी जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मेरा वॉइस क्वालिटी सब अच्छा आएगा, क्योंकि मैं मेरा माइक अडॉप्टर आ चुका है और आज बोया का माइक भी आने वाला है। सो नेक्स्ट ब्लॉग से बहुत ही अच्छा वॉइस आने वाला है। सो आज के ब्लॉग में थोड़ा यही कंफर्टेबली आप लोग सुन लो, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट ब्लॉग से मैं ट्राई करूँगा कि ज़बरदस्त आप लोगों को दे पाऊँ वॉइस, यार क्या मत करिए। फाइनली मैं जालुकबारी पहुंच गया। अभी यहां से हमको जाना होगा पल्टन बाज़ार, उसके बाद गणेशगिरी जाएंगे और उसके बाद सर्विसिंग भी करने का मन था, मगर क्या होगा कुछ पता वता नहीं। अभी सर्विसिंग का बुक भी मैंने अभी लाना भूल गया, चलो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। बंद है सारा गुवाहाटी, बंद बंद पड़ा यार, क्या होगा अभी, हमको जो काम था वो सब अभी हो गया, नहीं कोई गारंटी नहीं है अभी। तो अभी मैं हेलमेट
का रिपेयरिंग का दुकान में आया था, मगर दुकान बंद है। तो अभी जाएंगे हम लाखोपिया। लगता है आजकल हमारा गुवाहाटी में साफ सफाई ज़्यादा हो गया है। इतना साफ सफाई आगे तो नहीं था। अभी आफ्टर 5-6 मंथ के बाद मैं गुवाहाटी आ रहा हूँ। अभी तो गाइस अभी मैं लाखोपिया पहुँच गया। बाद हम जेमोन खरीदने के लिए जाएंगे, तो यहीं पर पार्क कर देते हैं। गाइस फाइनली मैंने गोप्रो का जेमोन ले लिया। अभी मुझे जाना है अपना बहन का घर जो गणेशगुरी पर है। आज गुवाहाटी आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद तभी मैं बोल चुका हूँ 5-6 मंथ के बाद गुवाहाटी अच्छा लग रहा है आगे। मुझे बहुत ही साफ, बहुत ही खाली खुला है। अभी नो ट्रैफिक, नो नथिंग, ओनली खाली। ये देखो हमारा गुवाहाटी का बिफोर बिल बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। जो हम पहले बहुत ही आया करते थे, मगर अब लॉकडाउन है तो क्या करें, कोरोना ने तो सब खा दिया हमको। बहुत धूल मिट्टी है रे भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूँ चांदमाड़ी। तो चांदमाड़ी से अभी मैं जा रहा हूँ मेरा दीदी का घर, मेरी बहन का घर गणेशगुरी। तो मैं इधर से आ गया क्योंकि मुझे चांदमाड़ी ब्रिज का मज़ा लेना था। बहुत दिन हुआ चांदमाड़ी ब्रिज में आया नहीं था। आपको तो पता ही है 5-6 मंथ आफ्टर लॉकडाउन, तो इसलिए थोड़ा ब्रिज के ऊपर से उठा लेते हैं हमारा बाइक को और थोड़ा मज़ा लेते हैं बहुत दिन के बाद। तो थोड़ा हम यहाँ पर रात चलाएंगे। हमारा प्यारा सा गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। सूरत में आता हूँ यार हर बार, तो एक बात की मुझको याद आती है, जो मैं आगे जब मैं अरुण भाई नहीं था तब मैं जब मेरा आरंभक नहीं था तब मैं यहाँ से मैं बाइक रेंट पर देता था। तो अभी मैं गणेशगुरी पहुँच गया। अभी तो गाइस पापा का दबा भी हो चुका है। अभी हो चुका है मतलब एक मिला, दो लेने के लिए आया था, तो फिर दूसरा फार्मेसी भी जाना पड़ेगा। अभी जय
शादी का टीवी टावर देखो, टीवी टावर रोड से मैं निकला हूँ अभी। कर देंगे ये, फिर इसका मीटर बंद हो जाएगा, बंद हो गया। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है R15 में। अभी मैं पहुंच गया हूँ भांगाहर ब्रिज, मेरे बगल में ये रहा बिग बाजार और उसका बगल में कैंडलॉग। यहाँ से हम जाएंगे अभी मास्कुआ जो ग्रैंड या मास सर्विस सेंटर, उधर में जाके देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, अभी गुवाहाटी से निकलने का टाइम आ गया, तो मैंने जो बोला था सर्विसिंग के लिए जाऊंगा वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं। तो क्या करें, अभी मैं निकला उधर से, वो लोग बोले कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो 500 एक्स्ट्रा लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम इस बार नहीं करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर आने को ट्राई करूँगा मैं। तो अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, वो लोग बोल रहे कि 5-6 बजे बच जाएंगे। तो मुझे भी गुवाहाटी से 70 किलोमीटर आगे जाना है मेरे घर के लिए, तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो अभी घर के लिए निकल रहा हूँ मैं, 1.5 घंटे के अंदर में हम पहुँच जाएंगे, 70 किलोमीटर हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा रास्ते भी थोड़ा घटे उल्टे है आगे हाईवे में, जो हमारा NH-37 हाईवे है चालकपुरी टू वालपारा रोड, वो एकदम ख़त्म हो चुका है, इसलिए 70 किलोमीटर हमको कवर करने में लगभग 3 घंटे लग भी सकता है, इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो आज जाके हमको माइक भी सेटअप करवाना है, जो हमारा एडाप्टर और माइक आ चुका है और इसके पास एक केचिंग भी आ चुका है। अनबॉक्सिंग मुझे करना तो आता नहीं, फिर भी ट्राई करूँगा मैं अनबॉक्सिंग करने को। मुझे यही दुख लगा कि मेरा बाइक अभी सर्विसिंग नहीं हुआ, मुझे ये करवाना था आज, और हेलमेट का थोड़ा काम भी रह गया था वो भी नहीं हुआ। सिर्फ हुआ कि अच्छा अच्छा काम ही हुआ, जो मेरा J-mount नहीं था मगर था वो थोड़ा हिल रहा था, वो दूसरा ले लिया मैंने, और पापा के लिए और माँ के लिए दवा भी ले लिया मैंने, बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ। और बहन से मेरी दीदी से राखी भी लगा दिया मैंने, वो भी अच्छा काम हुआ। रेनकोट चाहिए था, तो इसलिए मैं अभी डेकार्टन पे थोड़ा गाड़ी को पार्क करके जाना पड़ेगा, थोड़ा डेकार्टन भी देख लिया जाए और रेनकोट भी देख लिया जाए।